फ्रेंड्स, कल का जो आधा अधूरा कुर्ता रखा है ये वाला, तो इसको स्टिच करना पड़ेगा आज मुझे। पहले सबसे पहले यही करूंगी, फिर मैं इसमें डोरी भी लगा लूंगी, क्योंकि कल तो इसको पहन नहीं है तो आज से लगाना ही पड़ेगा। और ये ट्राउजर आज इसकी स्टिचिंग कर लेंगे, या हो सकता है कुर्ते की कटिंग कर लें, देखते हैं जो भी हो। पहले तो इस कुर्ते को स्टिच कर लेती हूँ जो कल का अधूरा रह गया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये वाला कुर्ता बन चुका है, इसको मैं प्रेस और कर लेती हूँ, फिर इसके बाद आपको पूरा फाइनल दिखा दूंगी कैसा लग रहा है। बन चुका है हमारा ये वाला कुर्ता, फ्रॉक पैटर्न पे है ये, एयरलाइन फ्रॉक, और स्लीव्स इसमें काउल वाली है जो मैंने आपको पहले बनाना बता दी है। तो ये इस टाइप का है, ये फ्रॉक टाइप का है, और इसका ट्राउजर ये है, ये अंगूठे वाला बनवाया कुछ इस टाइप का, और एक इसमें का कुर्ता भी बना है वो ये है। देखिए स्लीव्स एयरलाइन वाली है और उसमें काउल वाली है, उसका नेक कुछ इस टाइप का है। ये जो साइड से पट्टी बची थी एक, ये वाली काफी बड़ी है, तो इसमें से मैं दो डोरियां बना लेती हूँ। जो चौक होता है ना साइड का, यहाँ पर मैं लटका देती हूँ, इसमें थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, लग गई मेरे नायरा पैटर्न में डोरी, जो कि एक महीने से बड़ा है। हाँ तो फ्रेंड्स, फ्रॉक तो बन चुकी है, इसका ट्राउजर भी दीदी ने मुझे कटिंग करके दे दिया है, जल्दी से ये और बना लेते हैं तो हो जाएगी मेरी ड्रेस रेडी। हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, दीदी ने मेरा ट्राउजर स्टिच करना तो कैंसिल करवा दिया है, और दीदी बोल रही जल्दी ये वाले कुर्ते की कटिंग करते हैं, क्योंकि इसका ट्राउजर तो आज बन नहीं सकता है, क्योंकि कंगूरे बनाने के लिए कपड़े की जरूरत है ना, इसमें जो कपड़ा बचेगा वो करवा दिया, जब कपड़ा ही नहीं है तो पहले। अरे ये वाला ट्राउजर नहीं दीदी, मैं रेड वाला ट्राउजर बोल रहा हूँ। अच्छा, वो घर जाके बनाना, भैया देर हो जाएगी, तो मैं वो वाला घर जाके बना लूंगी। और ये वाला ट्राउजर जो था, जो अपन ने कल कट किया था, वो भी आज स्टिच नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंगूरी बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा इसमें से जब निकलेगा तब हम बनाएंगे। तो पहले आज ही इस कुर्ते की कटिंग कर लेते हैं, कटिंग सीख लीजिए, इसके बाद आप सिलाई। हाँ, दोनों चीजों की तो करें दीदी कटिंग। और जिस जिसने अभी तक भी ट्राउजर कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं कुर्ते की कटिंग करना स्टार्ट। तो ये हमारा जो कल का बचा हुआ कपड़ा है, जो हमने पैंट में से बचाया था, तो ये तो वो वेस्ट कपड़ा है, चिंदिया, इनको अपन हटा देंगे अभी। ये वेस्ट नहीं है, ये बहुत काम की है दीदी, अभी तो वेस्ट ही है ना, जब अपन कुछ में लगाएंगे तब हो जाएंगे काम की। और ये वाला ट्राउजर में से बचा हुआ कपड़ा, ये देखिए, ये हमने स्लीव्स के लिए रखा था ना, ये वही कपड़ा है, साबुत जो निकाल लिया था ये वही है, और बचा है अभी ये वाला कपड़ा, इतना कपड़ा बचा है। अब हमको कुर्ते की कटिंग करना है, करना कैसे है, इस कपड़े को सिंगल है ये हमारा, इसको यहाँ से एक बार डबल फोल्ड कर लेंगे। ये डबल फोल्ड करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड कर लेना है, तो ये हमारा हो जाएगा फोर फोल्ड, इसको अच्छे से जमा लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, ये आड़े टेढ़े कपड़े को यहाँ से कट करके हटा देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया। और लंबाई कितनी है हमारी, 42 इंच लंबाई है, तो हमको रखना पड़ेगी 44, तब जाके 42 बनकर आएगी। डेढ़ इंच हमारा यहाँ पर दब जाएगा और आधे इंच यहाँ पर दब जाएगा। और प्रीति, इसमें तो अपन को दबाना ही नहीं है यार, क्यों, पीछे का दबेगा, पीछे का तो दबेगा। हाँ, पीछे का दबेगा, पीछे नहीं बना रहे, नहीं ठीक है। हाँ तो ठीक है, ये हमारा 44 हमने लंबाई कर ली। दीदी पहले बता दो अपन कैसा कुर्ता बना रहे हैं, जो लोग नए जुड़े हैं उनको तो पता चले। हाँ, कल तो हमने खैर बता दिया था, लेकिन हम आज एक बार और बता देते हैं। हम बना रहे हैं स्ट्रेट लॉन्ग कुर्ता, जिसमें नीचे दामन पर कंगूरे रहेंगे और स्लीव्स 3/4 रहेंगी। यहाँ पर लाइन खींच लेंगे, अब लगाएंगे हम शोल्डर का निशान। तो शोल्डर हमको लगाना है 7 इंच पर, 7 इंच पर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बनाना है हमको बॉटनेक गला बना रहा है, इसलिए हमने 7 शोल्डर रखे। ये है छोटे साइज का, इसमें 7 रखना है। अगर कोई बड़े साइज का बॉटनेक गला बनाएगा, मतलब हेल्दी साइज वाले जो बनाएंगे उनको 7.5, 8, और अगर ज्यादा ही हेल्दी है तो 8.5 पर निशान लगाना है। गोलाई हमें 7 रखना है, आर्मोल्स की कमर 14 और चौक 19 इंच के हैं, तो 19.5 पर निशान लगाएंगे, आधा इंच यहाँ पर सिलाई में दबेंगे। अब हमको लगाना है फिटिंग का निशान। तो सीने की जो फिटिंग है हमारी 31 इंच की है, 2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा, 33 का चौथाई भाग 8.25 इंच आएगा, 8.25 पर हम निशान लगा देंगे, 8 और 2 पॉइंट। कमर 26 है, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगी, 28 का चौथाई भाग 7 आएगा, तो 7 पर निशान लगा लेंगे। और जो हिप्स का साइज है वो 34 इंच है, 2 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद 36 हो जाएगा, 36 का चौथाई भाग 9 इंच आएगा, तो हम इसमें 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। और जो लूजिंग ऐड करते हैं, जो नॉर्मल साइज होते हैं 28, 28, 30, 32,
तक बालों की मैं आपको दो दो इंच लूजिंग ऐड करनी है, और अगर कोई बड़े और ज्यादा साइज के बना रहे हैं 32 के बाद तो आप 2.5 इंच और 3 इंच लूजिंग ऐड करिए, और अगर किसी को ज्यादा लूज कपड़े बनवाना है तो फिर आप उनकी में पहले से ही 2.5-3 इंच लूजिंग ऐड करिए, और अगर किसी को फिटिंग के बनवाना है तो फिर आप 2-2 इंच लूजिंग ऐड करिए, ज्यादा नहीं डालिए लूजिंग। फिटिंग के बाद अब हमें लगाना है दामन के निशान, तो दामन हमारा है 19 इंच का, तो 19 के आधे 9.5 पर हम निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे, इसको, इसको और इसको, इन तीनों निशानों को लंबा कर लिया, इस निशान से इसको और इससे इसको मिला देंगे, और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर कर देंगे हम गोलाई, ये देखिए, और इस निशान से इसको मिला लेंगे और यहाँ पर 1 इंच दूरी पर निशान लगा लेंगे, थोड़ा सा कम भी रहेगा तो एडजस्ट हो जाएगा। और अब हम कर देंगे इसकी कटिंग, अब हम कर रहे हैं कटिंग करना स्टार्ट, तो यहाँ से करना है कटिंग करना स्टार्ट। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. एक कट यहाँ पर लगाना है हमें, एक कट सेंटर पे, एक यहाँ चौक के पास कमर के पास, और एक यहाँ पर सीने के पास, और एक सेंटर कट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स को अलग करना है, तो ये देखिए पीछे वाला हमने हटा दिया और ये आगे वाले को वापस से जमा लेंगे, जमाया। इसके बाद आगे हमको करना है गोलाई, ये हो गई हमारी गोलाई, और गला हम बनाएंगे कंगूरे वाला, इसमें भी तो बकरम पे बनेगा, पेस्टिंग वाले बकरम पे हम इसमें अभी इसमें हम फैलान के निशान लगा देते हैं, 4 इंच हम इसमें फैलान रखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम इसमें एक छोटा सा कट मार देंगे, पीछे का गला हम कट कर लेते हैं, फैलान हम इसमें भी 4 ही रख रहे हैं, और गले का साइज जो रहेगा वो हम 2.5 इंच पर रख रहे हैं, यहाँ से गोलाई कर देंगे, ये देखिए बर्ट नेक का शेप दे दिया हमने, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, ये देखिए ये हमारा गला कट गया पीछे का, और अब हम इसको यहाँ से हटाएंगे, और ये जो कपड़ा रखा है ना हमारे पास ट्राउजर में से बचा हुआ कपड़ा, उसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे, तो ये देखिए ये हमारा सिंगल कपड़ा, इसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया, ये हमारा डबल हो गया, इसको इसके ऊपर पलट देंगे तो ये हमारे 4-4 फोल्ड कपड़ा हो जाएगा। ये कपड़ा फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे जो कि रहेगा कटिंग का। अब यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, आस्तीन की लंबाई हमको रखना है 15 इंच, तो हम लगा लेंगे 15.5 पर निशान एक, क्योंकि यहाँ पर दबेगा सिलाई में, और एक लगा लेंगे 1 इंच नीचे, ये मुड़ने का हो जाएगा नीचे का। आस्तीन की फिटिंग हमारी 10 है, तो 10 का आधा 5 पर निशान लगा लेंगे, और ये 2 इंच का मार्जिन हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक आस्तीन को 3.5 इंच डाउन करना है। सीने का चौथाई भाग 8.25 इंच आया था, 1 इंच प्लस करेंगे, 9.25 पर निशान लगाएंगे, ये देखिए यहाँ से शेप डाल देंगे आस्तीन को, डालना हो तो डालिए आप, नहीं डालना हो तो कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ से हमको ऐसे स्केल को रखना है और ऐसे निशान लगाना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कट मार लेंगे, ये इसके लिए है ये कट, यहाँ पर भी कट मार देंगे। कट मारने के बाद अब देखिए हमारी ये जो आस्तीन है हमने ऐसे ली थी। एक दीदी सुनो, तो किसी ने पूछा था कि उनसे दोनों मतलब ऐसा होता है तो उनसे एक ही स्लीव्स में दोनों साइड गोलाई हो जाती है, तो कैसे करें ध्यान से कि दोनों आस्तीन में गोलाई? ऐसे जमाती होंगी, ऐसे ऐसे जैसे आज मैंने जमा ली, वैसे हम हमेशा जमाते हैं तो इकट्ठा कपड़ा बिछा लेते हैं और उसके बाद जमा के फिर उसमें से 2 ऊपर के पकड़ते हैं और काट देते हैं, लेकिन आप ऐसे जमाती हूँ जैसे मैंने आज जमाई है, डबल किया, इसके बाद एक और कपड़ा लिया, इसके ऊपर फोल्ड कर लिया, फिर आप ऊपर के 2 पकड़ती होगी, उसमें लगा लेती होगी कटिंग, तो फिर बताएं वो गड़बड़ हो जाता होगा, तो आपको इसमें
कैसे करना है। जैसे ये दो अस्तीने अलग अलग बिछी हुई है, इसमें आपको कैसे गोलाई करना है। मान लीजिए आपको एक इस अस्ती में गोलाई चाहिए, एक इसमें चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऊपर वाला पल्ला हटाना है और ये वाला पल्ला पकड़ना है और ये वाला पल्ला पकड़ना है और नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला हटा देना है। ये देखिए आप इस नीचे वाले को छोड़ के और ऊपर वाले को छोड़ने के बाद आपको यहाँ से गोलाई करनी है। इनके साथ यही होता होगा पूरी थी। ये देखिए ये वही गोलाई। और जब और फिर इसके बाद आप चेक भी कर लीजिए। आपको चेक कैसे करना है, अस्तीन को खोला और सीधा कर लिया और एक और अस्तीन खोली उसको भी सीधा कर लिया और दोनों मिलाकर देख लो, ये दोनों आमने सामने आ गई। आमने सामने आ रही मतलब सीधी, मतलब सही बगल बगल में आएंगे तो है ना, बगल बगल में आ रही। और अब इनको एक के ऊपर एक रख दीजिए आप, एक के ऊपर एक रखेंगे तो भी सही आ गई, मतलब कैसे भी बिछाएंगे आप सही बनेगी वो। ओके दीदी आ गए समझ में। अब स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है, स्लीव्स पे फिटिंग भी लिख देंगे और कुर्ते की भी आधी आधी सी कटिंग तो हो गई, बस गला काटना है और कंगूर काटना है। तो पेस्ट्री के बकरम लाओ जल्दी, ये रखा हुआ है पहले ही, सब तैयार है, सब तैयार है। अब ये जो बचे हुए कपड़े हैं ना, ये छोटे छोटे टुकड़े, इसमें से गला कटिंग हो जाएगा और नीचे कंगूरे में पट्टी लग जाएगी और मोहरी पे भी लग जाएगी ट्राउजर में। ये देखिए ये हमारे पास बकरम है, आप साबुत बकरम भी ले सकते हैं, हम तो यूज करते हैं इसलिए हमारे पास ऐसे बचता है। इसको फोल्ड किया हमने अंदाज से कर लिया, फिर हम नाप लेंगे। हमें गले की फैलन रखना कितनी है तैयार, 4 इंच की, तो हमको ये थोड़ा ज्यादा चाहिए पड़ेगा क्योंकि इसमें ये ऐसे ऐसे कंगूरे भी आएंगे। ये नाखून लगा लिया, अब इसको हम आपको नाप के बता देते हैं ये कितना बचा है। अब ये हमारा हुआ है 6 इंच का, इतनी तो ये किनारी है तो इसको हम काट कर हटा देते हैं। ये देखिए ये हो गई गले की फैलन और गले का नाप है हमारा 5 इंच का, यहाँ पर भी 4 फैलन रख देंगे हम। ये बॉक्स बना लिया, इसके बाद यहाँ से ऐसे राउंड करते हुए लेके जाना है, जाना है और ये इस पे मिला लेना है। ये मिला दिया हमने, अब हमको यहाँ से कंगूरे ड्रॉ करना है। प्रीति इससे ही बता दूँ चौक से डायरेक्ट? हाँ, अगर समझ में नहीं आया सबको तो कुछ ढक्कन मक्कन से बता दो। हाँ मैं तो इसे ड्रॉ कर लूंगी फिर ना, सबको नहीं समझ में आएगा। बॉटल का ढक्कन निकाल लूँ, छोटा हो जाएगा दीदी। हाँ इस वाली बॉटल, हाँ ये सही है, नहीं यार ज्यादा बड़े नहीं लगे। हाँ बड़े तो हो जाएंगे यार, बड़े ही क्या पता, ये तो बस बड़े हो जाएंगे दीदी, बहुत बड़ा साइज। देखिए फ्रेंड्स वो वाला ढक्कन कैंसिल करके हमने क्या निकाल लिया, ये होल्डर। तो आप अपने हिसाब से, हाँ आप अपने हिसाब से, आपको ये लग रहा है, अगर आपको किसी चीज से निशान नहीं लगा ना तो आप डायरेक्ट इससे लगाओ चौक से। इसको रखना है ऐसे 20 सेंटर पे, ये देखिए यहाँ से, और यहाँ पर बिल्कुल कोने पे आना चाहिए। देखिए ऐसे लगाना है आपको निशान, ये लग गया। फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं फैलन, क्योंकि ये थोड़ी फैलन कम लग रही है हमें। इसके बाद हमें यहाँ पर एक और बना लेना है। अब हम इन कंगूरों की कटिंग कर देंगे। तो आपको कटिंग करना कैसे, यहाँ से स्टार्ट करना है और जरूरी नहीं है आपने जो निशान लगाए आप वहीं से कटिंग करें, आप अपने हिसाब से करिए। अगर आपको लग रहा है ये थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, वैसे बकरम फिसल जाता है जल्दी जल्दी, तो आप अपने हिसाब से कटिंग करिए। यहीं तक कट करना है और आगे नहीं बढ़ाना है क्योंकि इतना पतला फिर सिल नहीं पाएगा। Bird on a tree. I'm just sitting. ये देखिए मैंने आगे पीछे कर लिया ना, क्योंकि मुझे ये सही नहीं लग रहा है। It's clear to see. यहाँ से सीधा ही रख दो दीदी आप, जब भी तो ये गड़बड़ हमने की है। अब देखिए आप, हाँ मस्त लग रहा है दीदी, अच्छे बने ना। इसलिए मैं निशान नहीं लगाती क्योंकि मुझसे निशान लग के अच्छे कटते ही नहीं है, तो मेरा निशान की कटिंग करना चाहिए ना, कोई समझता ही नहीं, इसलिए मैंने निशान लगा बताया। चलो ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अब हमारी इतनी कटिंग तो हो गई है, अब हमको क्या करना है, 1 इंच दूरी से 1 इंच पर हमने ये निशान लगा लिया, यहाँ बीच में एक निशान मार लेंगे सिर्फ अंदाज के तौर पे और 1 इंच हम यहाँ पर मार लेंगे और अब हम इसकी कर देंगे कटिंग।
और वो भी कंगूर वाले शेप में नहीं, गोलाई वाले हाँ, शेप में सीधा बिल्कुल। यहाँ पर तुरपाई भी सही लगेगा। हाँ ये गला हमारा कट हो गया है, इसको हम हटा देंगे और अब हम करेंगे दामन के कंगूरे कट। फ्रेंड्स ये जो हमारी वीडियो है ना, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे सब्सक्राइबर जो है बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि दामन पे कंगूरे कटिंग करने वाली, मतलब कटिंग करके बनाने वाली वीडियो लेकर आए। तो हम दीदी से मैंने बोला मेरा सूट रखा है तो जल्दी से वाला निकालो और बनाओ। जैसे ही हमारे पुराने वीडियोज कम्प्लीट हुए, दीदी का वो जो साड़ी का ड्रेस बन रहा था वाला वीडियो कम्प्लीट हुआ, तो हमने ये वाला सूट निकाला दामन पे कंगूरे बनाने वाला। तो ऐसे ही हमारे सब्सक्राइबर जो भी डिमांड करते हैं हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी पूरी करने की। लेकिन अगर आप लोग कुछ और डिमांड करें तो आप लोग बुरा मत मानना अगर थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि हम लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन क्या हम लोग पास काम इतना ज़्यादा रहता है कि हम लोग बहुत जल्दी नहीं ला पाते हैं वीडियोस, पर हम कोशिश करते हैं लाने की आप लोग जो भी डिमांड करते हैं। तो फ्रेंड्स दामन पे कंगूरे बनाने के लिए हमने पेस्टिंग बटन ले लिया जो कि 1.25 इंच है। 1.25 इंच वाला रोल है, यहाँ से हमको नापना है। ये देखिए ये एक और ये दो, दो हमने इसलिए लिए क्योंकि हमारा फोर फोल्ड कपड़ा है ना, एक साइड के दामन पे हमको बनाना है। फिक्स नापना है आपको, बड़ा छोटा नहीं करना है। इसको कट कर लेंगे यहाँ से, ये हमने हटा दिया। देखिए अब आपको इसके निशान कैसे लगाना है। ये बंद वाली साइड है, यहाँ पर पहले तो हम इसमें स्टेपलर लगा लेते हैं क्योंकि ये आगे पीछे ना खसके। स्टेपलर लगाने के बाद यहाँ से हमको इतनी दूरी पे आधे इंच लगभग, आप तो जितना चाहे रख सकते हो, आधे इंच पौने एक इंच जितना बड़ा बकरम हो, एक लाइन खींच ली। लाइन खींचने के बाद ये जो हमने ये लिया था ना गले के लिए, वही होल्डर है, हाँ वही लिया है। और पैक वाली साइड से हमें स्टार्ट करना है कंगूरे बनाना। नहीं अभी हम नाप रहे हैं, ये इसके हिसाब से छोटा है, थोड़े बड़े कंगूरे चाहिए इसमें, ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इससे नहीं बन पा रहा है। जितने बड़े अपन को चाहिए उतने बड़े नहीं बनेंगे, ये इससे बनेंगे, इसी से बनेंगे। ठीक है तो ऊपर तक सही आएगा। ओके दीदी इससे बना लो। गले पे थोड़े छोटे साइज के बनाए हम ना, दामन पे थोड़े बड़े साइज के बनेंगे ना, छोटे छोटे दामन पे दिखेंगे ही नहीं। ये देखिए यहाँ से आपको ऐसे रखना है, बिल्कुल ऐसे कोने से आना चाहिए, पैक वाली साइड से, पैक वाली साइड से ऐसी नोक आए यहाँ से ऐसी। ये बन गया इतना बड़ा गोला, ठीक है ना, इतने अच्छे लगेंगे। और बिल्कुल यहाँ से इतना थोड़ा सा इतना चुन्नू सा यहाँ पर अंतर होना चाहिए। यहाँ पे भी लाइन खींच लो दीदी, सही रहेगा, टच करती हुई आएगी लाइन ये। हाँ इस वाले को दोनों लाइन के बीच में हम कंगूरे ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ पर भी ध्यान रखना है। ये देखो इतना ये चौक में मुड़ जाएगा। अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। पतली नोक वाली कैंची से कटिंग करना आ रही है ना। Like a bird on a tree. स्टेपलर ठोकना तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आगे पीछे भाग जाता है। अब इसके बाद इसको हमने यहाँ से ऐसे ही कर देंगे, इधर तक नहीं ले जा रहा है इसको, हम इधर तक इसलिए नहीं ले गए क्योंकि यहाँ तक हमने पतला कर दिया तो ये चौक मोड़ने में दिक्कत करेगा। यहाँ से लेके यहाँ सीधा आएगा और देखिए यहाँ से ये चौक में दब जाएगा तो ये सही आ जाएगा। ठीक है ना प्रीति? ठीक है दीदी, सही कटा ना। हाँ तो ये दामन के कंगूरे कट गए। अगर किसी को चौक पे भी बनाना है तो ऐसे ही आप चौक पर भी बना सकते हैं, लंबे लंबे। ये देखिए ऐसे आएंगे कुछ ये बनकर। तो कंगूरे कटिंग करने के साथ ये देखिए हमारा गला भी कट हो गया, आस्तीन भी कट हो गई, दामन के कंगूरे भी कट हो गए और इसी के साथ हमारा पूरा कुर्ता कट हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आपको मेरा डिजाइनर कुर्ता कंगूरे वाला, नेक भी कंगूरे वाला, दामन भी कंगूरे वाला डिजाइनर कुर्ते की कटिंग कैसी लगी? और जो कि प्लेन कपड़ा है। हाँ प्लेन कपड़े पे, हाँ तो प्लेन कपड़े पे तो डिजाइनर कपड़े बनते हैं दीदी। अगर पहले से वर्क वाला एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा हो तो थोड़ी ना डिजाइनर कपड़े बन पाएंगे, थोड़ी बन पाएगा, फिर तो सिंपल ही बनेगा। हाँ तो फिर इसलिए मैंने सोचा ऐसा प्लेन कपड़े का बना लेते हैं डिजाइनर टाइप का, अच्छा लगेगा ना दीदी। लेते लेते दिमाग में सोच लेती है चीजें, हाँ कैसे कैसे बनाऊंगी मैं। नहीं पहले मैंने बहुत दिन से सोच के रखा था सिर्फ चौक पे कंगूरे बनाएंगे, हाँ। सिर्फ चौक पे, पर अपने सब्सक्राइबर ने डिमांड की कि दामन पे कंगूरे वाला बनाओ, तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो दामन पे कंगूरे वाला बनाओ। ठीक है फ्रेंड्स तो आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसे तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा अभी तक है ना,
कर दिया ना। तो फ्रेंड्स चैनल पे जो जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।